हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए स्पेशल एक नया कॉन्सेप्ट, नई सिस्टम वाला, पोर्टेबल सिस्टम वाला सुगर कैन मशीन विथ चिलिंग सिस्टम लेके आया हूँ आपके लिए दोस्तों। और एकदम नया मॉडल है, इंडिया में पहली बार ये मॉडल दोस्तों, जो एकदम कॉम्पैक्ट मशीन है, स्मॉल साइज, स्मॉल एरिया में रह सकता है, प्लस हाई कूलिंग कैपेसिटी वाला मशीन है। एक घंटे के अंदर 250 ग्लास की कैपेसिटी है मशीन की, और पूरी पोर्टेबल है, पावर सेवर मशीन है, प्लस इजी मेंटेनेंस मशीन है। इजी मेंटेनेंस मतलब आप उसको आउटर साइड से कोई भी मेंटेनेंस छोटा मोटा आता है तो आउटर साइड से आप उसको मेंटेनेंस भी कर सकते हो और वॉश एंड क्लीनिंग भी कर सकते हो दोस्तों। तो ये वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पूरी मशीन की जानकारी दूंगा, कूलिंग मशीन कैसे करती है, विदाउट कूलिंग वाला जूस कैसे निकाला जाता है, मशीन में कौन सा मोटर है, कैसा गियर सिस्टम दिया है, कितना टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो, एक ग्लास कितने का आपको लैंडिंग आएगा और एक ग्लास कितने में आपका सेल होगा दोस्तों। और पूरी मशीन क्लीनिटी वाली है दोस्तों, इसके अंदर को साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है दोस्तों, और क्लीनिटी वाला बिजनेस है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके आप एंड तक देखिए, जिसके बारे में आपको ये वीडियो के बारे में ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा नोटिफिकेशन, ज्यादा नॉलेज मिले दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर पे चलने वाली 1 HP की मशीन है। इसके अंदर यहाँ पे हमने कूलिंग सिस्टम डाला हुआ है, यहाँ पे कूलिंग का सिस्टम डाला हुआ है, यहाँ पे इसका वेस्टेज बॉक्स भी डाला हुआ है दोस्तों। जो वेस्टेज कचरा रहता है, जो वेस्टेज शुगर केन का जूस निकलने के बाद जो कचरा रहता है, वो सब ये डब्बे के अंदर, स्टेनलेस स्टील डब्बे के अंदर भर जाता है। पूरी मशीन दोस्तों हमने स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, पूरी हर एक क्वालिटी, हर एक इसके नट बोल्ट्स, मशीन हर एक चीज, इसका आइटम स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है दोस्तों। मशीन में से जूस निकलने के बाद उसको गालने का भी आपको जरूरत नहीं, यहाँ पे हमने गन्नी पूरा झाली दे दिया है, जिसकी वजह से आप आसानी से उसको गाल के पूरा क्लीनिंग होके सीधा लाइव कस्टमर को आप ग्लास दे सकते हो। ये मशीन की दोस्तों खासियत ये है कि ये मशीन के अंदर हमने ऑनलाइन चिलिंग सिस्टम डाला है। ऑनलाइन चिलिंग सिस्टम क्या काम करता है दोस्तों, कि जैसे आप जो गन्ना है वो सीधा डालेंगे, उसका ही जूस ठंडा होकर निकलेगा, अंदर कोई पड़ा हुआ नहीं रहेगा, स्टोर नहीं रहेगा। बाकी बहुत सारी मशीन में स्टोर पड़ा रहता है 20 ग्लास 30 ग्लास, जिसकी वजह से ज्यादा देर रहने से, 2-3 घंटे रहने से वो काला जूस है वो ब्लैक हो जाता है, काले कलर का हो जाता है। तो उसके अंदर हमने ये मशीन के अंदर ऑनलाइन चिलिंग सिस्टम डाला हुआ है। ऑनलाइन चिलिंग में जो आपने गन्ना डाला है वही उसका ठंडा जूस निकाल के देगी। वैसे हमारे कस्टमर हैं, उनका ऑर्डर है, ये हम मशीन की पहली वीडियो डाल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। ये मशीन लॉन्च होने के बाद हमने वीडियो नहीं डाली, फिर भी ये मशीन 8 से 10 मशीन हमारी बिक गई है, क्योंकि हमने कस्टमर को फोटोज दिखाए, उसके ऊपर से वो अट्रैक हो के हमको बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। तो आज ये कस्टमर का मशीन डिलीवरी के लिए जा रहा है मुंबई के लिए, कस्टमर आए थे, उन्होंने बुक कराया मशीन, और ये मशीन हम पूरा डेमो है उसका दिखाएंगे हमारे कस्टमर को, और आपके लिए भी वीडियो बना रहे हैं, और ये मशीन डिलीवरी के लिए जा रही है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही है, वैसे नॉर्मली हम इसके अंदर एक ही हेड देते हैं, एक ही हेड का ही मशीन है, लेकिन कस्टमर का रिक्वायरमेंट था 2 हेड लगाना है, तो इसके अंदर हमने 2 हेड एक हेड एक्स्ट्रा कर दिया है, जिसको फास्टली वर्क करना है तो कर सकता है। प्लस कस्टमर ने ये गन्ने के जूस, गन्ना जो रहता है उसको छीलने का मशीन है, तो ये छीलने का मशीन भी हमसे परचेस किया, यहाँ आप साइड में इसको लगा के गन्ना जो है उसको छील सकते हो आसानी से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलना है। गन्ना है मेरे हाथ में, कोई भी साइज का गन्ना है, छोटा है, बड़ी साइज का कोई भी गन्ना है, तो यहाँ से आप इसको सबसे पहले सफाई कर सकते हो। वैसे तो साफ सुथरा ही गन्ना है, लेकिन अगर कोई कस्टमर रिक्वायर्ड करता है कि उसको सफाई करना है गन्ना, तो इसको आसानी से यहाँ पे इसको कोई भी साइज, अगर बड़ी साइज है तो वो हिसाब से वो स्प्रिंगेबल है, पूरा अप डाउन होगा, स्प्रिंगिंग से काम होगा। अभी हम इसको क्रशिंग करेंगे आपके सामने, पहले गन्ने देखिए इस टाइप का, अभी हम इसको क्रश करेंगे, उसके बाद देखना आप, आप देख सकते हैं पूरा। ये सफाई हो चुका है, यहाँ पे इसका कचरा है आप देख सकते हो, पूरा साफ सुथरा हो चुका है पूरा गन्ना। अभी हमें मशीन के अंदर एंटर करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर है 5 नंबर का टेम्परेचर है चिलिंग सिस्टम का। अगर आपको इसको 0 करना है, माइनस टेम्परेचर में वो ठंडा ज्यादा करना है, मौसम के हिसाब से सेट करना है तो सेट कर सकते हो। अभी इसका टेम्परेचर 5 नंबर का है, आप इसको गर्मियों के मौसम में ज्यादा ठंडा करना है, बारिश के मौसम में कम ठंडा करना है, ठंडियों के मौसम में कम ठंडा करना है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आप सेट कर सकते हो। जो कस्टमर रिक्वायर्ड करते हैं कि उसको ठंडे बिना का नेचुरल गर्म जूस चाहिए, तो यहाँ से आप नल खोल के उसको गर्म जूस भी दे सकते हैं। अभी मैं मशीन के अंदर गन्ना डाल के आपको इसका जूस निकाल के दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं गन्ना है, अभी हम इसके अंदर क्रशिंग करेंगे। आपको लगा के छोड़ देना है, इसको पकड़ना नहीं है आपको,
उसके बाद ये थोड़ा हैवी साइज का गन्ना है, वो भी हम डालेंगे इसमें, लगा के छोड़ देना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा गल के निकलने वाला है जूस। आप देख सकते हैं यहाँ पे गन्नी ट्रे झाली भी दिया गया है हमने। एक गन्ना है, मैं आपको खोल के इसका गेयरबॉक्स सिस्टम है खोल के बताऊंगा। इसका ढक्कन है, हमने बोल्ट खोल के रखे है, इसके अंदर बोल्ट से फिक्स होता है। यहाँ पे इसका चेन सिस्टम है, गियर सिस्टम है, आप देख सकते हो पूरा। अभी मैं एक और गन्ना आपको डाल के इसमें भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं ये गन्ना है। यहाँ पे हम इसको बटन चालू करके इसका गियर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको गन्ना डालना है, ये आप देख सकते हैं। ये मशीन बंद हो जाएगा, इसका स्विच बंद करके बंद हो। अगर रिवर्स घुमाना है तो ये बटन है रिवर्स का, रिटर्न आएगा उसके अंदर। अभी हम इधर से एकदम चिल्ड जूस निकालेंगे, आप देख सकते हो एकदम फीन वाला जूस निकल रहा है इसके अंदर से। देखिए पूरा कितना गाढ़ा जूस निकल रहा है, आप देख सकते हैं। एकदम नेचुरल और फीने वाला जूस, एकदम ठंडा चिल्ड और जूस है, आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ से इसका चिल्डनेस का छारी जम रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। बहुत ही बेहतर क्वालिटी का जूस निकला है, एकदम चिल्ड और सीधा कस्टमर को आप सर्विंग लाइव दे सकते हो दोस्तों। ये जूस का सर्विंग लाइव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कस्टमर मांगता है कि भाई मेरे को गर्म जूस चाहिए, तो यहाँ से आप नल खोल के उनको गर्म जूस भी दे सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गर्म जूस है, ये नॉर्मल है, गर्म भी नहीं है इसलिए मतलब नॉर्मल जूस है, जिसके अंदर आइस बिना का जूस है। ये आइस बिना का जूस है और ये आपको चिल्ड, यहाँ से देखिए पूरा छारी जम रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे नल के ऊपर भी, नल में भी पूरा छारी जम रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। बहुत ही बेहतर और एकदम ठंडा जूस निकला है। प्लस यहाँ पे जो हमने वटाया आपको वेस्टेज का कचरा, तो ये पूरा कचरा यहाँ पे सफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। पानी ना बाउल भरी ना बोलता हूँ। अभी आपको मशीन को वॉशिंग करना है, जैसे कि रात को आपको साफ सफाई करना है, वॉशिंग करना है, क्लीनिंग करना है मशीन आपको, तो उसके लिए जहाँ पे हमने गन्ना डाला वहाँ पे पानी डालेंगे इसके अंदर, मशीन चालू कर देंगे, इसलिए रोलर भी अच्छे इसके अच्छे से धुल जाएंगे अंदर से, आप देख सकते हैं पूरा। जैसे पानी डाल देना है आपको, ये पानी डाल देना है इसे, भरी लियो। ये पानी का ग्लास डाल देना है अपने को इसको, मशीन बंद कर देना है। यहाँ से इसका बटन चालू करके इसको लाइनिंग में से निकाल देना है पानी, जूस की जगह भी जितना पानी रहेगा वो सब निकाल देना है अपने को। अभी इसमें पानी आना चालू हो गया, आप देख सकते हैं पूरा ये वाटर आना चालू हो गया, पानी है, नेचुरल पानी है, आप देख सकते हैं पूरा। ये आपका मशीन हो गया क्लीनिंग, ये आप देख सकते हैं पानी आ रहा है, ये सादा पानी है। ये आपका मशीन हो गया क्लीन, जवाब ओनली 5 मिनट्स के अंदर आपका मशीन भी क्लीन आप इजीली आराम से कर सकते हो इसको अंदर। और इसका ट्रे जाली है इसलिए हमने यहाँ से फोल्डिंग दिया है, ये जो इसका नोजल है चिलिंग के लिए जाता है और यहाँ से गर्म निकलता है। अभी ये जाली भी आपको वॉश करना है, बाकी इनर मशीन जो अंदर रहता है उसका वॉश नहीं कर सकते हो अच्छी तरीके से। जो गाला हुआ जूस रहता है गन्नी कैसे सॉ वॉश करेंगे, उसका जाली कैसे वॉश करेंगे, तो उसके लिए फोल्डिंग हमने दिया है। ये आप पूरा बाहर निकल जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा ये पूरा बाहर निकल के आप इसको अच्छे से दोनों पीस में वॉश कर सकते हो, इसको भी वॉश कर सकते हो, इसको भी आसानी से क्लीन और वॉश कर सकते हो। क्योंकि ये सब चीज में दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है वॉशिंग है क्लीनिंग है, आसानी से वॉशिंग और क्लीनिंग चीज होना चाहिए इसके अंदर। अगर 8-10 दिन में अगर एक बार आपको रोलर इसके खोल के वॉश करना है, वैसे तो हमने पानी से वॉश कर दिया, अगर आपको खोल के भी वॉश करना है तो इसका 4 बोल्ट रहता है, 1, 2, 3, 4 बोल्ट यहाँ पे रहता है, वो बोल्ट ओपन करेंगे इसलिए पूरा ये बॉक्स बाहर निकल जाएगा और गन्ने को मशीन को आप अच्छे से वॉश कर सकते हो हाथ से या कोई कपड़े से इसको वॉश करके छोड़ सकते हो। अभी इसका वेस्टेज बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे क्लीनिंग बॉक्स है, ये अभी हमने जो गन्ना निकला इसका वेस्टेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं पूरा, ये आप देखिए
एकदम इसको आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी, एक बूंद भी जूस नहीं है, एकदम इसको चूरा बना के निकाला हुआ अंदर से, ये आप देखिए पूरा एक बूंद भी जूस नहीं है इसके अंदर, पूरा 97% इसको क्रश कर लिया है। एक किलो गन्ने के अंदर 750 ग्राम जूस निकाल दिए मशीन। ये भी पूरा हमने स्टेनलेस स्टील का ही दिया गया, आप देख सकते हो पूरा स्टील का बॉक्स है इसका। थोड़ा मैं मशीन आपको घुमा के बैक साइड भी बता देता हूं मशीन का लुक वाइज में। ये बैक साइड लुक है मशीन का। ये जहां से कस्टमर खड़े रहते हैं लेने के लिए कि हमको ग्लास दो, तो ये आगे का लुक है जहां को कस्टमर को बाहर से दिखता है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे जो उसका वेस्टेज कचरा निकलता है यहाँ से नीचे होके नीचे बॉक्स में चला जाता है। ये बॉक्स भी हम आपको दिखाएंगे खोल के, इसको खोलिए पीछे दिखो लो ने। सब चीज फोल्डिंग हमने दिया है, मेंटेनेंस इजीली आप आसानी से कर सको दोस्तों। कल सुबह कोई छोटा मोटा मशीनरी चीज अगर कुछ भी हो सकता है तो ऐसा नहीं कि आप मेंटेनेंस कर ही नहीं पाएंगे, कोई आदमी अंदर घुस ही नहीं पाएगा। हमने मेंटेनेंस को भी ध्यान में दिया है कि कल सुबह फ्यूचर में कोई मेंटेनेंस किसी को करना है, इजिली ऑपरेट करना है तो कैसे कर सके दोस्तों। ये पूरा खोल दिया इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन हो गया मशीन आपका। अभी आपको मोटर में कोई इश्यू है, बेल्ट कल सुबह लूज हो गया इसका या चेन लूज हो गया है, इसको अप डाउन करना है आपको, तो आसानी से इसको आप अप डाउन कर सकते हैं। 1 HP का कॉपर वाइंडिंग का मोटर दिया है, मोटर का जो ये बेल्ट रहता है यहाँ पे गियरबॉक्स सिस्टम दिया गया है, ये गियरबॉक्स में से कन्वर्ट होके यहाँ पे चेन सिस्टम में जाता है, चेन सिस्टम से पूरी मशीन ऑपरेट होती और चलती है। डबल सिस्टम दिया गया है, अगर ये डायरेक्ट बेल्ट यहाँ पे दिया गया होता तो इसका बेल्ट फिसलता, इसलिए यहाँ से मोटर में से लेके बेल्ट यहाँ दिए, बीच में इसका गियरबॉक्स सिस्टम दिया है, गियरबॉक्स इसको चेन से कन्वर्ट करता है और चेन से चलाता है। और मशीन के अंदर भी हमने 1 HP का कॉपर वाइंडिंग मोटर डाला है। मार्केट में बहुत सारी मशीन मिलती है उसमें कोई आधे HP का या छोटा सा मोटर या ऐसा कुछ डाल देते हैं, तो जिससे क्या होता है आप 50-60-100 ग्लास भी निकालते हो तो मोटर गर्म होकर जल जाता है, खड़ा रह जाता है, चिपक जाता है, तो ऐसा इश्यू या प्रॉब्लम आता है उसके अंदर। तो वो सब चीज़ हमने सर्वे करके हमारे पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस देख के दोस्तों हमने एक पूरी सक्सेसफुल मशीन बनाई हुई है, जिसमें कस्टमर को आसानी से बिजनेस भी कर सके, जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, हमारा जो कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है उनको अच्छे से बैकअप मिले, अच्छा बैकअप मिले उसको, उनको भी बिजनेस मिले, हम भी बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर हमारा जो ले रहा है उनको भी बेहतर और अच्छा बिजनेस मिले। तो दोस्तों इस टाइप की मशीन की ज़्यादा जानकारी की, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स है, जैसे कि आपको खाली मशीन चाहिए, आपको ठंडे वाले नहीं चाहिए तो ओनली मशीन हम दे सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड मशीन चाहिए तो बैटरी ऑपरेटेड भी है, पूरी चिलिंग वाली यह मशीन चाहिए तो ये भी है, चिलिंग वाली पूरी कार्ट चाहिए तो कार्ट भी हम रखते हैं दोस्तों। कार्ट में भी हमारे पास 3 से 4 अलग अलग मॉडल्स है जो हमने पहले हमारी वीडियोस में डाले हुए हैं और दिन ब दिन हम कुछ ना कुछ अपग्रेड अपडेशन लेके आते हैं दोस्तों। तो ये मशीन की जानकारी के लिए एक बार हमारी कंपनी में आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए दोस्तों, नीचे ब्लिंकिंग में हमारी वीडियो में नंबर्स ब्लिंक हो रहे हैं, और फिर भी आप एक बार नोट कर लीजिए हमारा कंपनी का नंबर दोस्तों 8866575519। दूसरा नंबर नोट कीजिए दोस्तों 9638234133। मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी सेल्स टीम एक्टिव रहती है, सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। आप कोई भी टाइम पे कॉल करके हर एक जानकारी डिटेल्स फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको आने वाली हमारी नई नई प्रोडक्ट्स नई नई वीडियो से उसकी जानकारी और डिटेल बहुत ही आसानी से मिल सके कि हम क्या लॉन्च कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं मार्केट में, सब जानकारी आपको आसानी से मिल सके दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।